जय श्रीला प्रभुपाद। बंबई में फोन लगा या नहीं अब तक? नहीं, अभी नहीं लगा। मैं तमाल श्याम सुंदर और गिरिराज के पास बंबई एक पत्र भेजना चाहता हूं। जी प्रभुपाद। नायर इस मामले को दबाने के लिए चाले चल रहा है। वो तुम्हें डराता है और तुम लोग उसे डरने लगे हो। उसने बेवकूफ बनाया है ये जताकर कि कानूनी रूप से वो भारी है तुम पर। उसने तुम लोगों को धोखा दिया है। उसके विरुद्ध एक मुकदमा दायर कर दो। तुम उससे इतना डरते या घबराते क्यों हो? हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। तुम लोग नहीं जानते इन मामलों में कैसे निपटा जाए, क्योंकि तुम लोग डर गए हो। वो बड़ी बड़ी बातें करता है, तुम्हें धमकाता है, और तुम लोग आसानी से डर जाते हो। सत्य तो यह है, नायर ने 6 महीनों के नियत समय में हमसे पेशगी के रूप में 1,00,000 रुपए का चेक पहले ही कैश करा चुका है, और इस तरह हमने अपना अनुबंध पूरा कर दिया है। यह पत्र भिजवाने की जल्द व्यवस्था करो और विशाखा को यहां मेरे पास भेजो। जी प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद। हमारी जुहू वाली भूमि पर थोड़ा विवाद सा खड़ा हो गया है। मेरी अनुपस्थिति में कहीं भक्तगण कोई गलती ना कर बैठे, इसलिए मैं एक पत्र भेज रहा हूं, पर उसके पहुंचने में काफी समय लगेगा। मैं चाहता हूं कि कोई वहां जाए और उन्हें समझाए कि कुछ ऐसा न करें और वैधानिक रूप से सही रहें। मेरे लौटने तक वे कुछ भी न करें। जी। यहाँ जितने भी भक्त हैं वे या तो अनुभवहीन हैं या पंडाल कार्यक्रम की व्यवस्था में व्यस्त हैं। उनकी जगह क्या तुम जाओगी? जाऊंगी श्रीला प्रभुपाद। भगवान हमारे लिए जिस तरह जो भी योजना बनाता है वो तुरंत ही सफल होती है। इसी तरह जो भक्त खुद को उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के हवाले कर देता है, उसकी सारी की सारी इच्छाएं भी वो परमेश्वर पूरी कर देता है। तो भगवान तो अपनी इच्छा स्वयं पूरी करते हैं, पर वो भक्त जिसने खुद को भगवान के हवाले किया है उसकी इच्छाएं जय श्रीला प्रभु भगवान इसलिए पूरी करते हैं कि वो पूरी तरह से उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सहारे है। इसीलिए तो क्षमा चाहता हूँ श्रीला प्रभुपाद, पर आपके लिए बंबई से गिरिराज जी का फोन आया है। बोलो। आपको मेरा हार्दिक दंडवत श्रीला प्रभुपाद। अभी अभी अहमदाबाद से एक भक्त आपका संदेश लेकर आया है। हाँ, मैंने ही भेजा है। क्या कहना चाहते हो? उसने कहा है कि आप चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं करें कि नायर के विरुद्ध हमारा मामला कमजोर पड़े और हम आपके लौटने का इंतजार करें। उसके आने से पहले हमने ये फैसला किया था कि अब अपना पैसा ले लेना ही अच्छा है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने बिक्री अनुबंध निरस्त कर दिया है। तब तो सब कुछ खत्म हो गया। क्या हुआ? क्या कहा प्रभुपाद ने? पहले तो कुछ नहीं बोले,
फिर कहा सब खत्म हो गया और फोन रख दिया। मैं उस शैतान बेईमान नायर के हाथों में हरे कृष्ण भूमि को कभी नहीं जाने दूंगा। इसी कारण मैं यहां आया हूं, जिससे इन बच्चों की गलतियां सुधार सकूं। अब नायर या तो अनुबंध पत्र दे या हमसे मुकदमा लड़े। हम कृष्ण के पैसों को किसी हालत में गवा नहीं सकते। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? इन लोगों ने निरस्तरी पत्र पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। मैंने कहीं हस्ताक्षर नहीं किए हैं। शायद अभी देर नहीं हुई है। मुझे अपने लिए ये भूमि कदापि नहीं चाहिए, परंतु उस भूमि पर राधा कृष्ण हमारे इष्ट विराजमान हैं, और वो भूमि मंदिर के लिए बहुत ही उपयुक्त है। मैंने उन देवताओं को स्वयं भी कुछ वचन दिए हैं, उन्हें तो मुझे पूरा करना ही होगा। वो नायर कंस जैसा ही तो राक्षस है। कंस ने कृष्ण के वध के लिए एक दो नहीं कई राक्षसों को लगाया था, और नायर राक्षस हैं वकील, सरकारी दोस्त और गुंडे। लेकिन कृष्ण ने सभी राक्षसों को मार डाला था, बड़े छोटे सबको। मैं कृष्ण के लिए लड़ रहा हूं, मुझे किसी का डर नहीं है। न तो कोई मुझे हरा सकता है, न ही धोखा दे सकता है। मैंने कृष्ण भावनामृत का जो प्रचार बंबई में किया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे अनुयायियों और शिष्यों को कोई नहीं सता सकता, और ना ही कोई राधारास व्याधि को वहां से हटा सकता है। शीला प्रभुपाद, आप एक बार स्वयं क्यों नहीं नायर से मिल लेते हैं? शायद ये मामला शांति से हल हो जाए। मैं उसे अपने घर पर बुला लेता हूं। बुला लो। हमने उसके विरुद्ध मुकदमा दायर किया है, लेकिन हम अदालत के बाहर भी सुलह के लिए तैयार हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा, अच्छा विचार है। हम अकेले में बात करेंगे। जी। ये सब के सब CIA के आदमी हैं। मेरे पास सबूत भी है। आप अमरीकियों को यहां जासूसी करवाने के लिए ला रहे हैं। ये हरे कृष्णा तो आपकी ओट है। नहीं, मैं आपको अपनी जमीन नहीं दे सकता हूं। मैं सोमवार को 2,00,000 रुपयों का चेक लेकर आऊंगा और आपके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, अगर तुम हमें वो भूमि नहीं देना चाहते तो हम खाली कर देंगे, लेकिन एक बार फिर से सोच लो। आप लोग खुद को जमीन का मालिक समझते हैं, पर आपके कारण वहां के लोग बहुत ही परेशान हैं। सुबह के 4 बजे आपके उस हंगामे से सबकी नींद खराब हो जाती है। हमने कब कहा कि हम मालिक हैं? इस भूमि के असली मालिक तो कृष्ण हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मालिक हूं, और फिर कृष्ण तो वहां पहले से ही विराजमान हैं। तो तुम हमें क्यों परेशान कर रहे हो? पैसे ले लो और भूमि दे दो। अगर तुम उसे नहीं बेचना चाहते तो फिर चेक तैयार कर लो। तुम हमें चेक दो और हम कल सुबह ही यहां चले जाएंगे। नहीं, कल सुबह नहीं, आज रात को ही हमारे पैसे लौटा दो हमें। पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ, पैसे हैं मेरे पास। मैं भिखारी नहीं हूं, मेरे पास पैसा है, शक्ति है। उन मूर्तियों को बाहर फेंक दूंगा मैं, और मंदिर को भी गिरा दूंगा।
वासुदेव की इस प्रार्थना के बाद कृष्ण की माता देवकी ने प्रार्थना की, क्योंकि वो अपने भाई के अत्याचारों से डरी हुई थी। वो बोली, हे भगवान, मैं आपके चरणों में अपना शीश नवाती हूँ। इस ब्रह्मांड में होने वाला हर आविर्भाव पहले से निर्धारित है और सब आपके इशारों पर चलता है। आप ही असली सूत्रधार हैं और हर काम, हर ऊर्जा। बीच में रोकने के लिए क्षमा चाहता हूँ प्रभुपाद। इसके हे ईश्वर, आप मेरी। बम्बई से एक समाचार है। अभी अभी बम्बई से गिरिराज जी का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि मैं आपको बता दूं कि कल रात दिल का दौरा पड़ने से नायर के अस्पताल में मृत्यु हो गई। देखिए मिसेज नायर, वाकई आपके पति के साथ दुर्घटना हुई है, लेकिन जो होना था वो हो गया। अभी हमें यह सोचना है कि अब हम क्या कर सकते हैं आज के वर्तमान हालात में। अब वे कृष्ण भक्त आपको जमीन के बाकी बचे 12 लाख रुपए देना चाहते हैं। नहीं नायर साहब, उसके विरुद्ध थे, वो जासूस हैं। हम वो जमीन उन्हें नहीं बेच सकते, कभी नहीं। वो अंत तक इस बारे में दृढ़ थे। वो तो ठीक है मिसेज नायर, लेकिन सच तो ये है कि वहां मूर्तियां स्थापित हैं और प्रतिदिन वहां पूजा अर्चना भी की जाती है, इसलिए अब आप वो जमीन किसी और को बेच भी नहीं सकती हैं और ये बिल्कुल असंभव है। पर उन मूर्तियों को तो वहां से हटाया जा सकता है, मेरे पति खुद उन्हें हटाने को तैयार थे। आपकी बात ठीक है मिसेज नायर, लेकिन लोगों का विश्वास जीतने के लिए उचित नहीं। अगर वो ऐसा करते तो शायद जेल जाते। दूसरे और भी तरीके हैं। तो अब हम क्या करें? देखिए, इन गोरों ने उस जमीन पर कोई नई इमारत बनाने की अनुमति नहीं ली है, ना ही पुरानी की ली थी। इस तरह इस जमीन पर बनी दोनों इमारतें अवैध हैं और अवैध इमारतों को गिराया भी जा सकता है। कंस तो शुरू से ही एक शैतान था और उसने वैष्णवों को सताने के लिए उन्हें बेड़ियों में अनंत काल के लिए जकड़ दिया। उसने राक्षसों को आदेश दिया कि साधु संतों को सताएं और फिर उसने अपने घर में प्रवेश किया। लेकिन ऐसे कर्मों से स्वयं की उम्र घटती है। राक्षसों ने अपना काम शुरू कर दिया और एक एक कर मृत्यु को प्राप्त होते गए। साधु संतों को सताने पर केवल अकाल मृत्यु ही नहीं होती है, ये काम ऐसा होता है कि इसे करने वाले की सुंदरता, उसका नाम और उसके धार्मिक सिद्धांत भी दम तोड़ने लगते हैं। और किसी भक्त के विरुद्ध अपराध तो परम पिता परमात्मा के विरुद्ध किए गए अपराध से बड़ा है। और विष्णु रूप में भगवान के चारों हाथों में एक एक हथियार है।
अरे ये आप क्या कर रहे हैं? ये एक अवैध मंदिर है और महानगर पालिका ने इसे गिराने के आदेश दिए हैं। नहीं आप ऐसा मत कीजिए। मेरे पास आदेश है, चलो उस तरह से तोड़ना शुरू करो। चलो चलो रुकिए, तो आप लोग रुकिए, आप लोग रुकिए, देखिए देखिए ऐसा मत कीजिए। चलो अरे रुकिए, सब कटो यहां से, चाहिए चाहिए। अरे क्या हो रहा है? अरे ऐसा मत कीजिए, तुम उधर करो, तोड़ना शुरू करो। देखिए इस पत्र में लिखा है कि ये मंदिर इस्कॉन का है और इस्कॉन को भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। देखिए देखिए तो सही। अरे ये हिंदुओं का मंदिर है और हिंदू ही इसे तोड़ रहे हैं, ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम उनकी मदद करना चाहती हो तो जाओ, अपनी गिरफ्तारी दो, जाओ जल्दी। हेलो महादेविया, महादेविया। हाँ आप कौन हैं? मैं मंसवी हूँ, तुम कहाँ हो? अपने दफ्तर में हूँ। हे भगवान, अच्छा हो आप मिल गए, वे हमारे मंदिर को तोड़ रहे हैं। हाँ हरे कृष्ण भूमि वाले मंदिर को। सुना उन्होंने मंदिर की छत को गिरा दिया, आप कुछ करिए। हाँ मैं कोशिश करता हूँ, तुम घबराओ मत। हेलो क्या ठाकरे साहब से बात कर सकता हूँ? बहुत जरूरी है। आप इन मूर्तियों को नहीं हटा सकते, आप इन्हें छूना भी नहीं, इनको हाथ लगाने से पहले आपको मेरी जान लेनी होगी। चलो चलो अपना काम करो, अपना काम करो, चलो। अच्छा ठीक है, मैं अभी देखता हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो, हटो, बचाओ मुझे, बचाओ, चलो यहाँ से। छोड़ो मुझे, छोड़ो, चलो, छोड़ो, चलो, जाओ, नहीं। हेलो कमिश्नर से मेरी बात करवाओ, ये क्या हो रहा है? मेरे शहर में हिंदुओं का मंदिर तोड़ा जा रहा है, ये क्या है? मैं समझा नहीं ठाकरे साहब, मुझे पता लगा है कि महानगर पालिका के हिंदू अधिकारी के आदेश से जुहू के हरे कृष्णा मंदिर को तोड़ा जा रहा है, भगवान विष्णु के एक मंदिर को तोड़ा जा रहा है। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो बैठकर? मुझे ऐसे किसी आदेश की कोई जानकारी नहीं है। नहीं बंबई शहर में ये सब नहीं हो सकता, ये मेरा शहर है, मेरा। जी जी ठाकरे साहब मैं अभी कुछ करता हूँ। हाँ जल्दी करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अगर मेरे शहर में किसी ने हिंदू मंदिर को तोड़ा तो मैं उसके पूरे परिवार को धूल में मिला दूंगा, समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? भोसले। जी साहब। मैंने सुना है कि तुम्हारे आदमी जुहू में एक मंदिर को तोड़ने गए हैं। अब इन कामों के लिए भी घूस लेने लगे हो तुम? कितने पैसे मिले हैं तुम्हें? अब जल्द से जल्द उन्हें रोको, नहीं तो हम दोनों की नौकरी चली जाएगी। ये एक धार्मिक देश है, भले कितना भी पैसा क्यों ना मिले कभी किसी मंदिर को गिराने का काम मत करना, नहीं तो एक दिन सड़क पर आ जाओगे। अब उन्हें तुरंत रोको, ये मेरा आदेश है। जी मैं अभी तुरंत कुछ करता हूँ। उन लोगों को तुरंत रोको क्योंकि सामने वाला दमदार है। जी ठीक है। इसे तोड़ डालो, कहा ना वेदी को तोड़ डालो, देखते क्या, तोड़ो। रुको ये नया आदेश है। ठीक है चलो सब लोग। सहानुभूति रखने वाले आजीवन सदस्यों को जमा करो, जनता में प्रचार करके इस हमले का विरोध करो, इसके लिए उत्तरदायी लोगों को सामने लाओ। समय पर सहायता करने के लिए बाला साहब ठाकरे को धन्यवाद दो, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारा मंदिर बचा। सदा जीवत लाल विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख हैं, उन्हें हमारी सहायता करनी होगी क्योंकि उनका संगठन हिंदू धर्म रक्षार्थ ही बनाया गया है।
जब बंबई के लोग हमारी कहानी सुन लेंगे तब वे हमारा साथ देंगे। हाँ, मंदिर को पुनः बनाने की तुरंत व्यवस्था करो। कुछ थोड़े से लोग हमारा पैसा लौटाए बिना ही हमें उस भूमि पर से भगा देना चाहते हैं। ये कदापि संभव नहीं। राक्षसों का विनाश होगा और भक्तों की जीत। देख लिया, ये सब श्री कृष्ण की ही महिमा है। तुम घबराना नहीं। समझ गए? जी प्रभुपाद। हरे कृष्ण। आप सभी सम्मानित हिंदू हैं। आप अपने धर्म को जानते हैं। आप जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम तो बस दुनिया को आपके धर्म, आपकी संस्कृति के बारे में बताना चाहते हैं। और उन लोगों ने यहाँ आकर अपने ही देश के एक हिंदू मंदिर को नष्ट कर दिया, उसे गिरा दिया। ये गलत हुआ है और हमें आपकी सहायता चाहिए। अगर आप लोगों ने हमारी सहायता नहीं की तो वो इसी तरह से परेशान करते रहेंगे। हम तो बस लोगों को भगवद गीता का पाठ पढ़ा रहे हैं। आप तो जानते हैं कि भगवद गीता क्या है। यही बात हम दुनिया को बताना चाहते हैं। यही हम आपसे भी कह रहे हैं। इस मंदिर में कई मूर्तियां हैं और ये लोग उसे तोड़ रहे हैं। पर्चे में सब लिखा है। आज फैसले का दिन, क्या फैसला आने वाला है? पता नहीं जज साहब क्या फैसला सुनाएंगे। मंदिर इनके पास, आप उनसे पूछिए। सारे पेपर्स क्लियर हैं। अच्छा, सुनिए। मैंने तो सोचा था हम विदेशियों से लड़ रहे हैं, पर ये तो बम्बई के नागरिक हैं। केवल आम लोग ही नहीं, साथ साथ प्रभावशाली लोग भी हैं। हाँ, लेकिन अब माननीय न्यायाधीश श्री नयन जी जूहू में बने मंदिर पर अपना फैसला सुनाएंगे। ये मामला इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस और बंबई जूहू निवासी श्रीमती नायर के बीच चल रहा था। मैंने इस मामले को पूरे ध्यान से देखा है। कभी कभी ही हमारे सामने इतना बड़ा मामला आता है जिसके साथ देश की विरासत की प्रतिष्ठा का संबंध होता है और जो हमारी धार्मिक विरासत का दर्पण भी होता है। नगर पालिका न्यायालयों और आदेशों की अवहेलना कर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस ने अपराध किया है, पर वो उसके सामने कुछ नहीं, जिस तरह से महानगर पालिका ने जवाबी कार्रवाई की है। मुझे पता लगा है कि वहां मंदिर बन गया था और जो बन गया वो बन गया। कोई भी मंदिर को नष्ट नहीं कर सकता। केस डिसमिस्ड। हरि बोल, हरि बोल, अभिनंदन, सब ठीक हो गया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अच्छा होगा कि श्रील प्रभुपाद श्रीमती नायर से मिलकर इस मामले को समाप्त कर दें। हाँ, प्रभुपाद भी यही चाहते हैं। वे कब तक लौटेंगे? 2 हफ्ते बाद। मैं मिलने की व्यवस्था करता हूँ। ठीक है। देखिए, हमें अभी तुरंत 12 लाख रुपए दे दीजिए और इसके अलावा भुगतान में हुई देरी के एवज में 50,000 और दीजिए। चलिए, हम आपकी बात मान लेते हैं, पर यह कैसे निश्चित होगा कि भविष्य में हमारे साथ धोखा नहीं होगा? देखिए, मिसेस नायर अब जमीन बेचना चाहती हैं। ये तो हमेशा से ये जमीन बेचना ही चाहती थी। सुनिए, अगर बात साफ साफ नहीं करनी हो तो इस तरह से बात करने का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ गोल गोल बातें नहीं होनी चाहिए। कुछ गोल गोल नहीं है, आप ही मेरा अपमान कर रहे हैं। देखिए, अगर आप जमीन बेचना चाहती हैं तो हम खरीदने को तैयार हैं, लेकिन अगर आपके मन में कुछ और हो तो हमारा और आपका समय बर्बाद मत कीजिए। श्रीला प्रभुपाद बहुत व्यस्त आदमी है। ये उस खेल के लिए आपसे मिलने नहीं आए हैं जो खेल आप अपने पति के साथ खेल रही थी। तुमने मेरे पति को मार डाला। अगर तुम्हें लगता है कि प्रभुपाद में वो शक्ति है तो फिर तुम भी सावधान ही रहो। अगर तुम्हें सचमुच लगता है कि प्रभुपाद ने तुम्हारे पति की जान ली है तो तुम भी अपने पति की तरह भगवान के एक भक्त को इस तरह क्यों परेशान कर रही हो? प्रभुपाद की रक्षा भगवान कृष्ण स्वयं करते हैं और भगवान अपने भक्तों के साथ हुए दुर्व्यवहार को कभी सह नहीं सकते।
क्षमा कीजिए, मैंने जो भी किया उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। अब आप जो कहेंगे वही करूंगी। नहीं 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 नहीं, तुम मेरी बेटी जैसी हो, घबराओ मत, हम तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। हाँ, जितने पैसे तुम्हें चाहिए होंगे हम तुम्हें देंगे, और जीवन भर तुम्हारी हर तरह से देखभाल भी करेंगे, चिंता मत करो। साहित्य सिर्फ पश्चिमी देशों की ही देन नहीं है। दार्शनिक हेगल ने पहचाना कि दुनिया भर में पहचाने जाने वाले ज्यादातर शानदार कामों में से कुछ तो भारत की ही देन है। मैं पिछली क्लासेस में भी बता चुका हूं कि 19वीं और 20वीं सदी के विचारकों और लेखकों को एक ऐसी प्राचीन संस्कृत टेक्स्ट भारत से प्राप्त हुई जिसने उन्हें मंत्रमुग्ध कर उनके अपने कुछ कामों के लिए प्रेरित किया। यह टेक्स्ट भारत की बाइबल है और उसे जाना जाता है भगवद गीता के नाम से। इसका अर्थ है ईश्वर का गीत। इस महान पुस्तक से उद्धरण लेने से पहले मैं आपका ध्यान अमरीकी साहित्य विशारदों द्वारा इसके बारे में कहे गए शब्दों की ओर खींचना चाहूंगा। रल्फ वाल्डो एमर्सन, जो कि न्यू इंग्लैंड में रहने वाले एक महान 19वीं सदी के लेखक और कवि हैं, उन्होंने 1848 के अपने जर्नल में भगवद गीता के बारे में ये शब्द लिखे थे। मैं भगवद गीता का एक शानदार दिन के लिए ऋणी हूं। लग रहा था मानो एक साम्राज्य हमसे बातें कर रहा है। कुछ भी छोटा और अयोग्य नहीं, बल्कि विशाल, गंभीर और सतत था। किसी और ही युग एवं माहौल में पनपी एक प्राचीन बुद्धिमत्ता की आवाज उन्हीं तमाम प्रश्नों का गंभीरता से निर्धारण करती है जो कि हमसे हमेशा टकराते हैं। अब इन शब्दों से पता चलता है कि एमर्सन के लिए भगवद गीता कितनी उच्च कोटि की थी। और वो अकेले ही नहीं थे, उनके साथ ही महान दार्शनिक और लेखक हेनरी डेविड थोरो ने गीता के बारे में तब इन आश्चर्यजनक शब्दों को लिखा जब वे वॉल्डन पॉन्ड की प्रकृति में थे। मैं गीता की विशाल और पारलौकिक फिलॉसफी में अपने ज्ञान को स्नान कराता हूं। इसके आने के बाद से वर्षों बीत गए, पर फिर भी इसकी तुलना में हमारा ये आधुनिक संसार और उसका साहित्य तुच्छ एवं नगण्य प्रतीत होते हैं। वो क्या था जिसने इन महान लेखकों को आकर्षित किया भगवत गीता की ओर? आई एम सॉरी, मैं सही उच्चारण नहीं कर पा रही हूँ, मुझे पता है। तुम्हारा संस्कृत के उच्चारण का प्रयास अच्छा था। ये भगवत गीता है, तुम फिर से कोशिश क्यों नहीं करती? भगवत गीता। अब अच्छा है, और तुम्हारा प्रश्न भी उत्तम है। संभवतः गीता ने इनके मानवीय अनुभवों के वो द्वार भी खोल दिए जिन्हें ये लोग पश्चिम में महसूस नहीं कर पाए थे। अब इसके कुछ अंशों को समझने की शुरुआत करते हैं। मुझे वापस आकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी आपको रिलैक्स देखकर बहुत खुशी हो रही है स्वामी जी। तुमने कहा था कि तुम यहाँ आ चुके हो। यहाँ
हाँ, कैसा लगा तुमको? मैं तब बहुत ही अलग था। मैं भारत आध्यात्मिक जीवन की खोज में आया था, पर उसका मतलब ही मुझे ज्ञात नहीं था। मैं बादलों की तरह तैर रहा था। अनुभव तो काफी अच्छा रहा, परंतु उसमें आध्यात्मिक कुछ भी नहीं था। हाँ। मैं समय के साथ बहता जा रहा था। जब मैं बनारस में था तो प्रायः गंगा के किनारे जाकर बैठ जाया करता था। मैं कई साधुओं से भी मिला, पर मुझे प्रभावित कर सकने वाला कोई भी नहीं मिला। मुझे प्रसन्नता है कि तुम प्रभावित नहीं हुए, अन्यथा तुम मेरे पास बिल्कुल नहीं आते। ये मेरा सौभाग्य है स्वामी जी। मैं इतना ज्यादा थकान महसूस कर रहा हूं, परंतु फिर भी नींद नहीं आ रही, ये क्या है? एक लंबी जहाज यात्रा के बाद ऐसा ही होता है। ऐसा क्या? वो इसे जेट लैग कहते हैं। ओह। दो एक दिनों तक तो आप सो नहीं सकेंगे, पर थकान जरूर रहेगी और बाद में आप बिल्कुल ठीक महसूस करेंगे। मैं समझ गया, थैंक यू। ऐसा ही होता है। प्रणाम स्वामी जी। ओह पंडित जी, कैसे हैं? आपने ठीक से आराम कर लिया स्वामी जी? ठीक से तो नहीं, मैं थकान महसूस कर रहा हूं पर सो नहीं पा रहा। कीर्तनानंद कह रहे हैं कि लंबी हवाई यात्रा के बाद अक्सर ऐसा सबको हो जाता है, वे लोग इसे जेट लैग कहते हैं। मैं सुबह कुछ लोगों से मिलने गया था, बस अभी आया हूं। अब तुम जा सकते हो, मैं यहां कुछ समय बैठकर पंडित जी से बातें करूंगा। धन्यवाद स्वामी जी। तो अमेरिका कैसा लगा स्वामी जी? बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारे युवक युवतियां कृष्णा के भक्त बन रहे हैं, जबकि वो पहले से नहीं जानते थे कि श्री कृष्ण कौन है। मेरे प्रचार के कारण वो लोग मानने लगे हैं कि कृष्णा ही परम ईश्वर हैं, और वो उनके सम्मुख समर्पित होने लगे हैं। देखिए कृष्ण पंडित जी, मेरा अटूट विश्वास है कि एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी अवश्य पूर्ण होगी। इंडिया आने के बाद मुझे स्वामी जी को समझने में और आसानी हो गई। मैं देख सकता हूं कि वो भगवान के कितने करीब हैं। कीर्तनानंद? हाँ? कीर्तनानंद अभी आया स्वामी जी। तुम कृष्ण पंडित को अपना हरे कृष्णा का रिकॉर्ड तो बजा कर सुनाओ। जी स्वामी जी। आप जब इसको सुनेंगे आपको बहुत आनंद आएगा, मैं सही कह रहा हूं। Oh,
जब मैं अमेरिका में गया तब मैंने ये सोचा भी नहीं था कि वहां मुझे किस तरह की प्रतिक्रिया मिलेगी। शुरुआत में थोड़ा कठिन जरूर था, लेकिन कृष्णा का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ था। वहां पहुंचने पर मुझे ये तक पता नहीं था कि मैं ठहरूंगा कहां, क्या खाऊंगा, लेकिन मेरे एक मित्र के बेटे गोपाल ने मेरे अपने घर रुकने का पूरा प्रबंध किया था। जब मैं वहां पहुंचा तो उसकी पत्नी अमेरिकन थी, जिसका नाम सैली था। वो बहुत अच्छी लड़की थी और बिल्कुल मेरी बेटी की तरह मेरा ध्यान रखा करती थी। वो पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से गांव बटलर में रहते हैं। वहां के लोगों से भी मुझे बहुत प्रेम मिला। वो रोज मेरे प्रवचन के लिए आते थे और कई बार तो उन्होंने मुझे अपने घर आमंत्रित भी किया। सैकड़ों लोगों ने हमारे आदर्शों को अपनाया और कृष्णा के अनन्य भक्त बन गए। मैंने उनमें से बहुत से लोगों को दीक्षा दी है। ये हैं कीर्तनानंद दास, जो न्यूयॉर्क के मेरे पहले शिष्यों में से एक हैं। किसी दिन मैं उन सब को यहां पर ले आऊंगा और आप देखेंगे कि कितनी शालीनता से वैष्णव जीवन धारा को उन लोगों ने अपनाया है। मैं भारत में तुम्हारे पहले पत्र को पाकर प्रसन्न हूं। जहां तक भगवद गीता का प्रश्न है, उसे जितना जल्दी संभव हो सके पूरा कर लो। यद्यपि मैं मृत्यु के मार्ग पर अग्रसर हूं, परंतु फिर भी मैं भगवद गीता को अमेरिका में पब्लिश होते देखना चाहता हूं। अलगाव के संदर्भ में मैं भी बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहा हूं। पारलौकिक क्षेत्र में अलगाव की अनुभूति मिलन की अनुभूति से अधिक महत्व की है। मैं स्वयं भी शीघ्र अतिशीघ्र यूनाइटेड स्टेट्स जाने का प्रयास कर रहा हूं। तुम्हारे देश से मेरा एक खिंचाव भरा नाता है। जहां तक तुम्हारे अध्यापक पद स्वीकार करने की दुविधा वाली बात है, कृष्ण चाहते हैं हर व्यक्ति अपनी योग्यता का यथासंभव प्रयोग करे। अर्जुन महान योद्धा थे तो कृष्ण ने उन्हें युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए ये सब कर दूंगा। एक अध्यापक का पद हमेशा प्रभुत्व वाला होता है और साथ ही तुम्हारा संपादन का कार्य भी चलता रहेगा। मुझे लगता है कि तुम्हें पद स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं बंबई भी जा रहा हूं ताकि सिंधिया लाइन पर छूट पाने के लिए मैं मैनेजिंग डायरेक्टर को मना सकूं। आशा है कि इससे आपको अच्छा लगेगा। आपका सदा शुभचिंतक भक्ति वेदांत स्वामी। जय स्वामी जी। ईश्वर कोई काल्पनिक चरित्र नहीं है, वह वास्तविक है और उनके बारे में जानकारी है, पर तुम्हें यह जानकारी उसी से लेनी चाहिए जो उन्हें जानता हो और आमने सामने देख सकता हो। कभी कभी ईश्वर स्वयं अवतार लेकर हमारे साथ समय व्यतीत करते हैं ताकि हम उन्हें पहचान सकें और अपना एक रिश्ता स्थापित कर सकें। 500 वर्ष पहले भारत में नवद्वीप नामक जगह पर भगवान ने भक्त के रूप में अवतार लिया और हर किसी को अपना भक्त बनना सिखाया और उनके पवित्र नाम जब से उन्होंने अपने आप को प्रसिद्धि दिलाई। इन्हीं नामों को महामंत्र कहा जाता है और वो इस तरह हैं: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसका मतलब है
ओ प्रभुता की शुद्ध एवं सर्वोच्च शक्तियों, कृपया हमें इस निरीह भौतिक स्थिति से परे कर अपनी प्रिय भक्ति सेवा में सम्मिलित करो। आप लोग मंत्र जाप करना चाहेंगे? ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। ये श्री राधा मदन मोहन का मंदिर है। इसे सनातन गोस्वामी ने लगभग 450 साल पहले बनवाया था। श्री सनातन गोस्वामी ने इतने सुंदर मंदिर का निर्माण इतने पहले कैसे कर लिया? वो एक बहुत ही रोचक घटना है। सनातन गोस्वामी एक पेड़ के नीचे बैठकर मदन मोहन मूर्ति की रोज पूजा अर्चना किया करते थे। मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि यहाँ चारों तरफ जंगल था और इसके पास ही यमुना नदी बहा करती थी। एक दिन एक बहुत ही अमीर व्यापारी अपना सामान लेकर नाव से कहीं जा रहा था। जब व्यापारी नदी में गया तो उसने आश्चर्य से देखा कि ज्वार भाटे की वजह से नाव रेत में फंस गई थी। क्या हुआ? हमारी नाव रेत में फंस गई है। क्या? जल्दी से आदमियों को काम पर लगाओ, जल्दी। चलो चलो चलो, जल्दी जोर लगाओ, चलो। हाँ चलो उठाओ, कुछ करो, अंधेरा हो रहा है। अगर हम यहाँ रात भर फंसे रहे तो डकैत यहाँ आकर सब कुछ लूट ले जाएंगे। वो हमें जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे। लैंप जल्दी से बुझा दो, नहीं तो वो हमें आसानी से ढूंढ लेंगे। वहां रोशनी दिख रही है। कितने आश्चर्य की बात है, यहाँ जंगल के बीच इतनी रात को कौन हो सकता है? हरे कृष्णा हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैं एक व्यापारी हूँ और मैं नाव में अपना सामान ले जा रहा था, पर अचानक ही ना जाने कैसे मेरी नाव रेत में फंस गई और हम सब यहाँ भी रेत में फंस गए। नाव से हमें ये रोशनी दिखाई दी और हम सब आपसे मदद मांगने आ गए। मैं तो एक सन्यासी हूँ, मैं कैसे मदद करूं? कृपया अब ऐसा ना कहें, हमें कुछ तो रास्ता दिखाइए स्वामी जी। जो शक्ति तुम्हें इस विपत्ति से मुक्ति दिला सकती है वो यही है, जाओ उनके पास जाओ। मैंने कहा ना, जाओ उनके पास जाओ। अब ओ श्री कृष्ण मेरे भगवान, हे भगवान श्री कृष्ण मेरी मदद करो। मैं वादा करता हूं इस यात्रा से जो भी मुझे लाभ होगा वो मैं आपको सौंप दूंगा मेरे भगवान श्री कृष्ण। वो समझ गया कि केवल मदन गोपाल ही उसकी प्रार्थना का उत्तर दे सकते हैं। व्यापार में उससे बहुत मुनाफा हुआ और वही मुनाफे की राशि उसने गोस्वामी जी को सौंप दी। सनातन ने उस पैसे से मदन मोहन के मंदिर का निर्माण किया और यही है वो मंदिर। सारा का सारा राष्ट्र एक विचित्र विचार से प्रभावित दिख रहा है। वे इसे काउंटर कल्चर कहते हैं। छात्रों का इससे प्रभावित होना समझ में आता है, पर अध्यापक भी मेरी समझ से परे है। तथ्य के रूप में तो यह आंदोलन वेस्ट कोस्ट के कुछ अध्यापकों और प्रोफेसरों द्वारा शुरू किया गया था। तुमने कभी टिमोथी लियरी या फिर रिचर्ड अल्बर्ट को सुना है? उनका विचार क्या है? उनका मूल आइडिया है कि आप ड्रग्स द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पैसा आपके लिए खुशियां नहीं खरीद सकता,
और सच्ची स्वतंत्रता के लिए ये सामाजिक मर्यादा के कोड्स मात्र एक बाधा हैं। माय गॉड, क्या व्हीलर ड्रग्स लेता है? मैंने तो यहां तक सुना है कि वो चाय या कॉफी भी नहीं पीता। आपको मुझसे मिलना था? हाँ मिस्टर व्हीलर, आप अंदर आ सकते हैं। मिस्टर व्हीलर, हमें कहते हुए दुख है कि हमने कुछ दुर्भाग्यपूर्ण बातें सुनी हैं और शिकायतें प्राप्त की हैं। सुनने में आया है कि आप भगवान के बारे में कुछ विचित्र विचारों की शिक्षा देते हैं। क्या इस कॉलेज में ईश्वर के बारे में बात करने पर कोई प्रतिबंध है? मिस्टर व्हीलर, हम सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बात क्या है, कुछ शिकायतें आई हैं। देखिए, इन शिकायतों में कोई सच्चाई नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ ये पूर्णतः आधारहीन है। ईश्वर के बारे में बात करने से रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। बात भगवान के बारे में चर्चा की नहीं है, बल्कि भगवान की विचित्र धारणा की है। जब किसी को भगवान के बारे में जानकारी ही नहीं है, तो कोई कैसे कह सकता है कि मेरी धारणा विचित्र है? चलिए, कम से कम मेरे पास कोई धारणा तो है। पर आप उन्हें बता रहे हैं कि गॉड काले हैं? नहीं, वो नीले हैं। और वो एक काउबॉय हैं? नहीं, काउहर्ड बॉय हैं, और उनके बालों में मोर पंख है। क्या उनके पास बंदूक रहती है? नहीं, एक बांसुरी। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। स्वामी जी, प्रसाद तैयार है। बैठो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। एक बात बताओ, क्या तुम सच्चे तौर पे कृष्ण चेतना से प्रभावित हो? हाँ बिल्कुल। क्या हुआ? मैं तुम्हें सन्यास देने पर विचार कर रहा हूं। क्या आप मुझे त्यागी बनते देखना चाहते हैं? हाँ, सन्यास का तात्पर्य है कि प्रभु के चरणों में समर्पित होके संपूर्ण त्याग को अपनाना। इस जीवन में कभी भी शादी न करने की प्रतिज्ञा लेके पूर्ण ब्रह्मचर्य को अपनाना ही सन्यास है। आपको लगता है मैं तैयार हूं? तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं पता, यह बहुत ही कठिन प्रतिज्ञा है। यदि आप मुझसे ऐसा चाहते हैं तो मैं इसे निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैंने 63 वर्ष की उम्र में सन्यास लिया था। तुम तो बहुत ही जवान हो। वैसे मैं इस बात का पूरा विश्वास दिलाता हूं कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। यह तो बहुत ही अच्छा है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। कीर्तनानंद। अच्युतानंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरि बोल। स्वामी जी, अच्युतानंद आ चुका है। तो अच्युतानंद, तुम्हें अपने आप वृंदावन पहुंचने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, दिल्ली के लोग बहुत ही अच्छे थे। एक महिला ने मुझे 5 रुपए दिए तो मैं ट्रेन पकड़ के मथुरा आ गया, वहां से बस पकड़ के वृंदावन, और फिर रिक्शे से यहाँ तक। अमेरिका में सब लोग कैसे हैं? हर कोई आपको याद कर रहा है और आपकी राह ताक रहा है। आपके पत्र मिलने पर इतने उत्साहित हो जाते हैं कि जैसे मानो कोई त्योहार हो। वे चारों ओर बैठ जाते हैं और ब्रह्मानंद या सत स्वरूप जोर जोर से पढ़कर सुनाते हैं, फिर उसकी प्रति किसी बहुमूल्य वस्तु की भांति अपने पास रख लेते हैं। मैं भी उन्हें याद करता हूं, मेरे आध्यात्मिक बालक। हे ब्रह्मानंद, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। सब कैसा चल रहा है? मेरा भी अभिवादन स्वीकार करें। जानते हो, श्रीला प्रभुपाद कल सैन फ्रांसिस्को आ रहे हैं। कौन? प्रभुपाद। अब वो हमारे स्वामी जी नहीं रहे, प्रभुपाद हैं। जानते हो, प्रभुपाद का अर्थ है वो व्यक्ति जो हमेशा श्री कृष्ण के चरण कमलों में ही मिलता है। क्या वो हमसे यही संबोधन चाहते हैं? हाँ, वो कहते हैं कि यही ज्यादा उपयुक्त है।
मैं अभी उड़ान पे निकलूं? तुम थोड़ा इंतजार क्यों नहीं कर लेते? शायद हम साथ ही निकल पाए। ओके, मैं संपर्क में रहूंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभुपाद, तो तुम्हारा काम कैसा चल रहा है हैरी ग्रीव? बहुत अच्छा स्वामी जी, काफी अच्छे दिख रहे हो। और आप भी पूरी तरह से स्वस्थ हैं आप? हाँ, भारत मेरे लिए सहमतिपूर्ण था। जरा तुम मेरे पास आओ। स्वामी जी, मैं इसके योग्य नहीं हूं। रख लो, तुम अवश्य ही इसके लायक हो। कृष्ण के लिए की जाने वाली तुम्हारी सभी सेवाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, कृपया ये प्रसाद ग्रहण करें। हरे कृष्णा, हम सब इस प्रसाद का सम्मान करते हैं। मुझे कोई ऐसा मिल गया है जो हमें कुछ जमीन दे सकता है। तुम्हें जगह पता कैसे चली? मैंने अखबार में एक विज्ञापन देखा था। पश्चिमी वर्जीनिया में एक व्यक्ति लोगों से धार्मिक समुदाय स्थापित करने के लिए मदद चाहता था। मैं उसके पास गया और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह जगह हमें मिल सकती है। वो कोई हिप्पी कम्युनिटी बसाना चाहता है क्या? मुझे नहीं पता, वो हिप्पी जैसा तो नहीं लग रहा था, पर सच्चाई जानने का वादा करता है और दूसरों में इसे बांटना चाहता है। मेरे विचार से वो अपने तरीके से किसी को गुरु बनाना चाहता है। तुम्हें लगता है हमें इसी की तलाश है? पता नहीं, पर प्रयास करने में क्या जाता है, देखते क्या होता है। हाँ, प्रयास करके देखते हैं, शायद तुम्हारी बात सच निकले। इस जगह को देखो है ग्रीव, बहुत ही सुंदर है। श्रीला प्रभुपाद भी ऐसा ही कुछ चाहते हैं। शहर में तो पहले से ही बहुत सारे मंदिर हैं, अब समय है पूरे देश में जाने का, गांवों में जाने का। भगवान चैतन्य ने कहा था कि हरे कृष्ण का जप हर गांव हर शहर में किया जाएगा। शहर तो हमारे पास है ही, अब हम गांवों में जा रहे हैं। प्रभुपाद को डॉक्टर मिश्रा का आश्रम बहुत पसंद है, और सोचो तो कि कृष्ण का स्थान वृंदावन में है, जो कि गांव है, वो ग्वाला थे, एकदम उपयुक्त रहेगा। मैं पहले से प्रभु के समीप महसूस करने लगा हूँ। मैं चाहता हूँ प्रभुपाद इसे जल्दी से देख लें। हाँ, ये सचमुच बहुत सुंदर है। क्या तुम्हें विश्वास है कि प्रभुपाद इसे पसंद करेंगे? हमारा काम होते ही हमें उन्हें आमंत्रित करना होगा। मैं सोचता हूँ कि ये सब श्री कृष्ण की व्यवस्था का ही अंग है, और इस ट्रिप के बारे में मुझे पता नहीं, पर यहाँ के बारे में आभास हो रहा है कि यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। काफी काम करना पड़ेगा, हमें तो बस श्री कृष्ण का आसरा है। तुम्हें इतना भरोसा क्यों है कि ये फॉस्टर हमसे अच्छा सौदा करने वाला है, हमें भटकाने का प्रयत्न नहीं कर रहा? वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति प्रतीत होता है। ठीक, हम एक आध्यात्मिक समुदाय की शुरुआत कर रहे हैं, वो हमें जमीन जरूर देगा। पता नहीं, लेकिन मुझे तो वो कुछ अच्छा नहीं लगा। हमें तो बस श्री कृष्ण पर निर्भर रहना होगा, मूल बिंदु यही है। हम कृष्ण पर निर्भर हैं और हम यही वेस्ट वर्जीनिया में वृंदावन पा सकते हैं। ओके, अब तुम कहते हो तो हमें इसे परखना ही चाहिए। नमस्ते। हाय, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, हमने आपका विज्ञापन देखा। आपने देखा उसे? जी, उस सैन फ्रांसिस्को ओरेकल वाला? जी हाँ। उस संदर्भ में मिलने वाले आप लोग पहले हैं। अद्भुत। आइए बैठिए, आराम से बैठ जाइए। धन्यवाद। थैंक्स। मुझे ढेरों कॉल्स आए हैं सैन फ्रांसिस्को से और बाकी कैलिफोर्निया से। अगले कुछ हफ्तों में कुछ और लोग यहाँ आने वाले हैं। आप ही लोग यहाँ पहले पहुँचे हैं। अच्छा, ऐसा है। वैसे आपकी वेशभूषा काफी मजेदार है। शायद मेरा नाम कीर्तनानंद है। हाँ? ये मेरे मित्र हैं हाय ग्रीव। हेलो। हाय।
ये पोल किस लिए है? क्या ये फिशिंग पोल है जो आप अपने साथ लेकर घूमते हैं? नहीं, मैं जहाँ भी जाता हूँ इसे साथ लेकर जाता हूँ, जैसे लॉर्ड जीसस क्राइस्ट अपने साथ एक छड़ी लेकर जाया करते थे। हाँ, विचित्र नाम, विचित्र वेशभूषा, आप लोग अमेरिकन हैं? आप ऐसा कह सकते हैं, हम असल में आध्यात्मिक जीव हैं। अच्छा, आप सही जगह आए हैं। ये जगह सच्चाई के ज्ञान को उजागर करने के लिए है, स्वत्व को समझने के लिए। मुझे ये जगह विरासत में मिली, यहाँ मैं 3 साल से रहता हूँ। आइए आपको बाकी जगह दिखाता हूँ। मेरे पास यहाँ लगभग 300 एकड़ जगह है। यह है मुख्य घर, पर जमीन के आसपास ही कुछ और झोपड़ियां हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। शायद आप यहाँ रहना पसंद करें। चलिए मेरे ट्रक से चलते हैं। ये तो अच्छा है। पता है, सब कुछ ब्रह्मांड की शक्तियों के सम्मुख अपने आप को खोलना ही है, फिर सत्य अपने आप ही खींचा चला आता है। मैं इसे ही स्वत्व के ऊपर की बुद्धिमत्ता पुकारता हूँ, और ये हम में से उन लोगों का उत्तरदायित्व है जो कि दूसरों में बांटने के लिए सत्य को प्राप्त कर चुके हैं। यही सबके लिए ये समुदाय है। दूसरों के साथ बांटो। पता है, मैं इसकी परवाह नहीं करता कि सामने कौन है, ब्लैक्स या व्हाइट्स, कम्युनिस्ट या कैपिटलिस्ट, अमीर या गरीब, जवान या बूढ़ा, कोई अंतर नहीं पड़ता। पर मैं ऐसा ही समुदाय यहाँ बनाने का प्रयत्न कर रहा हूँ जो कि सच्चाई का अन्वेषक हो। हाँ, यहाँ का मौसम कैसा है? सर्दियाँ तो काफी तीव्र ही रहती है, पर गर्मियाँ लहलहाती और सुंदर। मुझे नहीं लगता कि धरती पर कोई और दूसरी जगह इससे ज्यादा सुंदर हो। ये जगह सूक्ष्म शक्तियों की तरह है। समस्त संसार में उन आत्मीय शक्तियों को आकर्षित करने वाली चुंबकें मौजूद हैं। जानते हैं, ये जगह भी उनमें से एक है। अच्छा, आप हमें कितनी जगह देंगे? वो देखते हैं, मैं कुछ ज्यादा तो नहीं दे सकता, बस जमीन का एक छोटा हिस्सा, कुछ 1 एकड़, क्योंकि अन्य लोगों के लिए भी जगह बचा के रखनी होगी। काफी सारे लोग आने वाले हैं, हम साथ साथ रहने वाले हैं, मिल बांट के साथ काम करने वाले हैं, और ये सब कुछ इसीलिए है। तो फिर आप रहना चाहेंगे या नहीं? हाँ, मेरे विचार से हमें रुचि है। फिर तो हम साथ हैं। दोस्तों, मैं जमीन का वो हिस्सा दिखाने वाला हूँ जिसे आप हमेशा से देखना चाहते होंगे। हम बस यहीं उतरने वाले हैं। आइए मेरे साथ आइए। ज्यादातर जमीन यही है, 300 एकड़ से ऊपर। सुंदर। मेरे पिता की जमीन, मेरे दादा की जमीन, तुम्हें यहाँ से तो दिखाई नहीं देगा, पर उस पहाड़ी के ऊपर एक बढ़िया सा छोटा कैबिन है जो बरसों पहले बनाया था। मेरे हिसाब से वो आपके लिए ठीक रहेगा। कृष्णा ने हमें एक आश्चर्यजनक अवसर प्रदान किया है। वो हमारे पास भक्तों को ही नहीं बल्कि कुछ प्रॉपर्टीज को भी भेज रहे हैं। हाल ही में मैं मिस्टर फॉस्टर से मिला, जो 350 एकड़ की भूमि का एक हिस्सा हमें देना चाहते हैं। वो पश्चिम के भीतरी हिस्से में रहते हैं। वर्जीनिया और पास ही का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारी जगह से मात्र 1 घंटे की दूरी पर है, और मुझे लगता है कि हमारे आश्रम के लिए ये एक आदर्श जगह होगी। आपका विनम्र सेवक, कीर्तानंद स्वामी। उनसे कहो कि हमें यह समाचार पाकर अति प्रसन्नता हुई, उसे अवश्य कोशिश करनी चाहिए। जब मैं वापस अमेरिका जाऊंगा तो वो जगह जरूर देखूंगा। Must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by.
on your dreams. The one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why. If they told you, you would cry. So just look at them and sigh. Hey. Hi. क्या फॉस्टर अंदर है? हाँ है ना. हे फॉस्टर, तुमसे मिलने कोई आया है? हाय. हाय. हे. हे, दोबारा मिलकर काफी अच्छा लगा. काफी समय हुआ मिले ही नहीं. हाँ. यहाँ फार्म में अभी कुछ और नए लोग आए हैं. ओह अच्छा. ये हैं टॉम, कैरोलीन, जैनेट. ये सभी कैलिफोर्निया से ही हैं. और वो हैं, हे रिज, रिज सुनो, यहाँ, रिज, न्यूयॉर्क शहर से हैं. हे, कैसे हैं आप? हे रिज, कैसा चल रहा है? अच्छा, कीर्तनानंद कहाँ हैं? वो वापस ओल्ड फार्म में चले गए हैं. वो यहाँ नहीं आते, हमारे साथ कुछ बांटना नहीं चाहते. सच कहूँ तो मैं इसे विचित्र पाता हूँ. जब आप आध्यात्मिक होते हैं तो आपको खुले विचार का होना चाहिए. हर किसी के विचारों का सम्मान करना चाहिए. आपकी सोच बहुत अच्छी है. हम सभी इस राह पर साथ साथ हैं. हम साथ ही तलाश कर रहे हैं. यानी हम उसे तलाश रहे हैं, हमने अभी तक उसे पाया नहीं है. हमें किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करना चाहिए जो कि उसे पाने के लिए पता कर चुका हो. तुम भी कीर्तनंद की तरह सुनाई दे रहे हो. तुम सब एक जैसे ही हो. मेरा मतलब है कि तुम्हें एक अध्यापक ढूंढना होगा. तुम्हें एक गुरु की आवश्यकता है जो कि तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें सत्य की ओर अग्रसर करेगा. पता है, सत्य हमारे अंदर विद्यमान है. हम में से हर एक के अंदर है. आपको उस क्षण के लिए सतर्क रहना है और वो अपने आप ही आपके सम्मुख खुल जाएगा. अगर यही आपका विचार है तो ठीक है. आपने कहा हर एक को दूसरों के विचारों का सम्मान करना चाहिए, तो प्लीज हमारे विचारों का भी सम्मान करें. हम अपने अंतर के बारे में बात नहीं करेंगे.